जय गुरु बाबा, प्रवचन नंबर 54, मार्च 1974, ग्वालियर में। उदासी नहे उद्भ्रातोत न सखा तैनो जीवात वेक। चिरंजीवी श्रवण कुमार और बेटी हमारी इंदु के साथ उनका जो विवाह प्रसंग हुआ, उसी के उपलक्ष में बहुत दिनों से सत्संग चला आ रहा है। ऐसे भाग्यशाली दंपति होते हैं जिनके विवाह प्रसंग में स्त्रियां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, वेद का पाठ, संतों की कथा और कीर्तन सुनने को मिले। आज गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पूर्ण हुआ और गुरु ग्रंथ साहब जो आपने इतना सुना और पढ़ते भी रहते हैं, उनका संदेश आपको केवल तीन बातों में मैंने समझाना है। और हमारे जितने श्रोता हैं, भाई बालचंद हैं, जय कृष्ण हैं, लक्ष्मण हैं, लक्ष्मी कांता, नव दंपति, जितने भी और उनके सगे संबंधी स्नेही एजेंट सब बैठे हुए हैं, उन्हें इन तीनों बातों को ध्यान में रखना होगा। संसार में अगर हम कहीं जाना चाहें, जहां जाने का हम निश्चय करते हैं, एक वो हमारा जाने का स्थान होता है। जैसे यहां ग्वालियर से हम बंबई जाना चाहें, बंबई एक स्थान है जहां हमको पहुंचना है। और वहां पहुंचेंगे कैसे, जब हमें रास्ते का पता। अब उसका रास्ता क्या है कि ग्वालियर से झांसी, अटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक होते हुए बॉम्बे पहुंचना, ये वो रास्ता है। अब रास्ते के बतलाने वाला या तो रेलवे स्टेशन मास्टर होगा, या स्टेशन मास्टर न हो तो हम टाइम टेबल देख लिया करते हैं। जिसके पास टाइम टेबल हो वो रास्ता बताया करता है, चाहे वो रेलवे कर्मचारी हो, चाहे कोई दूसरा पढ़ा लिखा सज्जन हो। इधर गुरु ग्रंथ साहब बतलाता है कि आपको कहां पहुंचना है, उसका पहले ही वर्णन कर दिया। पहली पौड़ी में एक ओम सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सब, कि जो परमात्मा एक है, जो कभी नष्ट नहीं होता सत्य है, और जिसके आगे सब दुनिया झुकती है, जिसने सबको संसार को बनाया है, जो सबको प्रकाश दे रहा है, और जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं, अयोनी से भंग, जितनी 84 योनी उन सबको दूर करने वाला है और उनसे रहित है, जो कभी 84 चक्र योनी में आया नहीं, और जिसका नाम स्मरण करने से हमारा भी 84 योनी का चक्र कट जाएगा, और स्वभंग का अर्थ है स्वयं भंग, स्वयं प्रकाश है, उसको सूर्य चांद दीपकों की जरूरत नहीं, उसी के प्रकाश सब संसार प्रकाशित हो रहा है, ये हमारा पहुंचने का स्थान है। ऐसा जो भगवान का स्वरूप है उसे हमें प्राप्त करना है, पर मिलेगा कब, कहते गुरु प्रसाद, अगर गुरु की कृपा। टाइम टेबल रूपी वेद जिसके हाथ में है, जो हमें भगवान तक के प्राप्ति कराने का रास्ता बतलाएगा, ऐसे हैं गुरुदेव। और रास्ता क्या है, कहते जप, भगवान की भक्ति किया था, भगवान का नाम जप रूपी जो भक्ति है वो मार्ग है, जिस शहर में पहुंचना है वो भगवत धाम है, और रास्ता बतलाने वाले गुरु हैं। ये तीन ही बातें गुरु ग्रंथ साहब में आदि से अंत तक है। अगर हमको भगवान से मिलना है, पहले गुरु की शरण ले, और गुरु की शरण लेने पर गुरु के बतलाया हुआ जो भक्ति मार्ग है उस पर चलें, उससे हमारा सबका कल्याण और उद्धार होगा और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एक बड़ा उत्तम सत्संग पूर्ण हो रहा है।
और इस जिस भावना से हमारे पाठियों को बुलाकर कुलगुरु गोपेश गिरी जी को बुलाकर और वृंदावन से संतों को बुलाकर और भिन्न भिन्न शहरों से अपने मित्रों को साथियों को एजेंटों को बुलाकर ये आयोजना की गई है, वो भावना सेठ साहब की, माता जी की और लक्ष्मी बेटी की, जय कृष्ण की, लक्ष्मण की, कांता की और नव दंपति की पूर्ण हो। इस आशीर्वाद के साथ आज का ये जोड़ मेल, आज की ये योजना, आज का आयोजन बड़े आनंद के साथ पूरा होने जा रहा है। फिर 7 से 9 तक इसी तरह शहर के सज्जन भी आएंगे, बाहर के जो आए हुए इष्ट मित्र हैं वो भी पधारेंगे और जिस वेद का संदेश गुरु ग्रंथ साहब ने सुनाया, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि ग्रंथ तो दुनिया में गिनती नहीं की जा सकती, पर मुख्य कौन है? वेदों का पाठ। और सब विवाहों में लग्न प्रसंगों में गुरु ग्रंथ साहब के पाठ तो होते हैं। भाग्यशाली ये लड़का है श्रवण कुमार और उनकी पत्नी इंदू देवी, जिसके विवाह प्रसंग में जनता को वेद भगवान के दर्शन भी होंगे और उस समय वेद भगवान का क्या संदेश है, विवाह का क्या उद्देश्य है, ये सब बातें आज कोई 6:30 से 7 से पहले 6:30 से 7 तक अथवा 7 से 7:30 तक इस विषय पर संतों के प्रवचन होंगे। समय करके इनकार, भगवान को करो नमस्कार, उनकी कृपा से होगा समस्त विश्व का बेड़ा पार।